हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये असल में एक मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का नाम लव डेथ और रोबोट है। ये सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9 है, जिसका नाम जीबारो है। इस एपिसोड में हम लोग एक जादूगरनी को देखते हैं जो की एक तालाब में रहा करती है। उसके पूरे जिस्म में बेशकीमती हीरे और जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन इस जादूगरनी की एक खास बात थी, जब भी कोई इसके आवाज को सुन लेता तो वो इसके बस में आ जाता था और वो इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन एक दिन इसके पास एक ऐसा सैनिक आता है जिस पर इस जादूगरनी का जादू नहीं चलता है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे कहानी में जानेंगे, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं। ये लोग किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। यहीं पर हम लोग जीबारो नाम के एक ऐसे सोल्जर को देखते हैं जो कि बहरा था और उसे किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी इन लोगों का एक साथी सभी लोगों को पीछे चलने के लिए बोलता है। इसके बाद सारे लोग यहाँ से मुड़ जाते हैं। ये सारे लोग एक जगह पर जाकर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। इन लोगों के नजदीक में ही एक बड़ा सा तालाब था। वो बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध देता है। जब वो तालाब की तरफ आगे जाता है तब उसे पानी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो इस सोने के टुकड़े को देखकर तुरंत उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन इन लोगों में से किसी को भी ये बात पता नहीं था कि यहाँ एक सायरन नाम की जादूगरनी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी सोने और हीरे से भरी हुई है। वो सायरन जादूगरनी पानी के अंदर छुपी हुई थी और इन्हीं लोगों को देख रही थी। इसी बीच जीबारो को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं, यहाँ सोल्जर के अलावा कुछ और भी लोग आए थे जो कि प्रिस्ट की तरह लग रहे थे और वो लोग यहाँ किसी तरह का ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन जादूगरनी पानी से बाहर आती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से डांस करने लगती है। इसके बाद वो अचानक चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज को जैसे ही ये सोल्जर सुनते हैं, वो सारे लोग इसके बस में हो जाते हैं और सभी के अंदर उस जादूगरनी को पाने की इच्छा जाग जाती है। सायरन जादूगरनी पानी के ऊपर डांस कर रही होती है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जैसे कि वो सारे लोगों को अपने पास बुला रही हो। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे सोल्जर्स पागल होने लगते हैं और सारे लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और सभी बस उसी की तरफ देख रहे थे। और अब ये लोग किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। सारे लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं ताकि वो उस जादूगरनी को पा सके। बहुत से लोग यहाँ पर मारे जाते हैं और जो भी सोल्जर्स अभी तक बचे हुए थे, ये लोग इस जादूगरनी की आवाज सुनकर पागल होते जा रहे थे। कोई भी अपने बस में नहीं था। ये सारे लोग एक दूसरे को मारते हुए जादूगरनी की तरफ जा रहे थे और वह चुड़ैल लगातार अपनी भयानक आवाजों को निकाल रही थी और उन सबको अपने पास बुला रही थी और उन्हें अपने पास बुलाते हुए धीरे धीरे पीछे जा रही थी। लेकिन इधर जीबारो इस बात से अनजान था कि यहाँ उसके साथियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो उसे उसके साथियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही जादूगरनी की आवाज़। तभी जीबारो अचानक इन लोगों को देखता है और उसे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इधर सारे सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे। वो लोग उस चुड़ैल को पाने के चक्कर में पानी के अंदर जाते जा रहे थे और पानी के अंदर डूबकर अपनी जान गंवा रहे थे। तभी जीबारो की नज़र सायरन जादूगरनी पर जाती है। उस चुड़ैल को देखते ही जीबारो बहुत डर जाता है, लेकिन उसे उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उस जादूगरनी की आवाज़ का असर जीबारो पर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी ओर यहाँ जितने भी सोल्जर्स थे, वो सारे लोग इस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर यहाँ मारे जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आता है कि सारे सैनिक आपस में लड़कर और पानी में डूबकर मारे जाते हैं और अब जीबारो के अलावा कोई भी जिंदा नहीं था। तभी सायरन जादूगरनी की नज़र जीबारो पर पड़ती है और वो उसे भी अट्रैक्ट करने के लिए उसकी तरफ आवाज लगाती है और उसे अपना बहुत ही अजीब डांस दिखाती है, लेकिन जीबारो पर उसकी आवाज का असर नहीं हो रहा था। वो इस बात से बहुत हैरान होती है कि उसकी आवाज से आज तक कोई भी मर्द नहीं बच पाया है, तो फिर आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो जीबारो को बस में करने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जीबारो पर अपना जादू नहीं चला पाती है। अब वो जादूगरनी बहुत डर जाती है और वो सोचती है शायद उसका जादू खत्म हो रहा है, इसलिए उसका असर उस सैनिक पर नहीं हो रहा है। इसके बाद वो पानी में वापस चली जाती है। इधर जीबारो बहुत डर चुका था, क्योंकि अचानक पल भर में ही उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी थी और अभी तक उसे कोई भी बात समझ में नहीं आई थी कि यहाँ क्या हुआ था। तभी वो चुड़ैल पानी से बाहर आती है और वो जीबारो को देखने लगती है कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है और क्यों मैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाई। अब सायरन जादूगरनी जीबारो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और अब वो उसे पाना चाहती थी, लेकिन इधर जीबारो बहुत डर गया था और वो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहता था और वो अपने घोड़े को बहुत तेज दौड़ाने लगता है। लेकिन भागते हुए वो एक बड़े से पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। वो अपने आप को संभालता है, लेकिन भागते हुए वो बहुत ज्यादा थक चुका था। इसके बाद वो नदी के किनारे एक जगह ढूंढता है ताकि वो रात में यहाँ आराम कर सके। धीरे धीरे यहाँ रात हो जाती है और जीबारो यहीं पर सो जाता है। तभी सायरन जादूगरनी पानी से बाहर आती है और वो डांस करते हुए जीबारो के पास आ जाती है। सायरन जीबारो को बहुत पास से देखना चाहती थी और उसके मन में जीबारो को पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। इसके बाद वो जीबारो के साथ ही सो जाती है, लेकिन जीबारो यहाँ गहरी नींद में होता है और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर बाद सुबह होती है। सायरन जादूगरनी अभी भी जीबारो के पास ही होती है और ये दोनों सो रहे थे। तभी अचानक जीबारो की नींद खुलती है और उसकी नज़र जादूगरनी पर जाती है, जिसके बाद वो सायरन के बॉडी में लगे हीरे और जवाहरात को देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन भी जाग जाती है। जैसे ही जादूगरनी की नींद खुलती है, वो यहाँ से भागने लगती है। जीबारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जीबारो के हथेली में सायरन के बॉडी के कुछ सोने के सिक्के फंस जाते हैं। इन सोने और चांदी को देखकर जीबारो समझ जाता है कि सायरन की पूरी बॉडी में सोने और हीरे लगे हुए हैं। ये देखकर जीबारो बहुत हैरान होता है और अब उसके मन में भी जादूगरनी को पाने की इच्छा जाग जाती है और अब जीबारो सायरन का पीछा करने लगता है, जो कि पानी के ऊपर भागते हुए एक झरने के ऊपर आ जाती है। उसे देखकर जीबारो भी किनारे पर आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इसके बाद जीबारो अपनी तलवार निकाल कर यहीं पर रख देता है और उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है। जादूगरनी भी जीबारो की तरफ देख रही होती है। जीबारो अब सायरन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर जादूगरनी को ऐसा लगता है
जीवारो भी अब उससे प्यार करने लगा है और वो खुशी से डांस करने लगती है। इसके बाद वो तुरंत जीवारो के पास आती है। जीवारो भी यहाँ ऐसा दिखाता है कि उसे सायरन से प्यार है, लेकिन जीवारो को सायरन से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो बस उसके बॉडी में लगे सोने और हीरे को लेना चाहता था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन के होठों पर भी हीरे लगे हुए थे जो कि काफी नुकीले थे, जिसकी वजह से जीवारो जब उसे किस करता है तब उसके होठों से खून आने लगता है। लेकिन सायरन अपने आप को नहीं रोक पा रही थी और ये दोनों ऐसे ही रोमांस करने लगते हैं। अब जीवारो का होठ बुरे तरीके से जख्मी हो चुका था और उसके पूरे मुंह से खून आ रहा था। इसके बाद वो सायरन को किनारे पर लाता है और उसे मारकर अचानक से बेहोश कर देता है। इसके बाद जीवारो उसकी बॉडी से एक एक सोने और हीरे को नोचता है और वो सारे बेशकीमती जवाहरात जो कि जादूगरनी की बॉडी में लगे हुए थे उन्हें लूट लेता है। ये सारे सोने और हीरे जादूगरनी के जिस्म से लगे हुए थे, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी जख्मी हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी से खून आने लगता है। सारे सोने और हीरे को निकालने के बाद जीवारो उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। इसके बाद सायरन की बॉडी नदी में बहने लगती है और उसका पूरा ब्लड पानी में बहने लगता है। इधर जीवारो सारे सोने और चांदी हीरे जवाहरात को एक चादर में उठाता है, क्योंकि वो जो चाहता था उसे मिल चुका था और अब वो यहाँ से जाने के लिए अपना रास्ता देखता है। वहीं दूसरी ओर सायरन की बॉडी बहते हुए तालाब के अंदर आ जाती है। अपने पुराने वाले तालाब में आने के बाद सायरन की बॉडी अचानक नीचे चली जाती है और यहाँ चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। इधर जीवारो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और वो अब जादूगरनी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसने जो भी चाहा अब उसे मिल चुका था। लेकिन ये सारा खजाना बहुत भारी था, जिसे ले जाने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी और वो बहुत थक चुका था और उसे बहुत जोरों से प्यास लग रही थी। तभी उसे सामने एक नदी दिखाई देती है। इसके बाद वो पानी पीने के लिए किनारे पर जाता है। वो जैसे ही पानी पीने के लिए यहाँ आता है, सायरन का ब्लड यहाँ आ जाता है और जीवारो उस ब्लड वाले पानी को पी लेता है। तभी अचानक उसका ध्यान उस खून पर जाता है। उसकी हालत अचानक से बहुत खराब हो जाती है और उसके दिमाग में अजीब सा होने लगता है। उसे अब सारी चीजें सुनाई देने लगती है। ये सायरन के ब्लड के ही वजह से हुआ था। आवाजों को सुनकर जीवारो बहुत परेशान हो जाता है और वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है, क्योंकि आज तक उसने कोई भी साउंड नहीं सुना था और अचानक उसके कानों में इतनी सारी आवाजें आ रही थी कि उसे बिल्कुल पागल कर देती है। कुछ देर के बाद जीवारो यहाँ बैठकर शांत हो जाता है। जब वो यहाँ से जाने वाला होता है, तभी वो चुड़ैल पानी से बाहर आती है। जब वो अपनी बॉडी की ऐसी हालत देखती है, इस बात से वो बहुत दुखी होती है कि जीवारो को उसे प्यार नहीं था, बल्कि उसके सोने और चांदी से प्यार था और वो बस उसके जिस्म के हीरे और जवाहरात को लेना चाहता था। तभी उस जादूगरनी की नजर जीवारो पर पड़ती है और अब वो जीवारो की तरफ आवाज लगाना शुरू कर देती है। इस बार जीवारो को भी उसकी आवाज सुनाई देती है और वो उसकी आवाज की तरफ खींचा चला आता है। अब जादूगरनी का जादू जीवारो पर भी काम कर रहा था। जीवारो अब अपने बस में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जीवारो को वो जादूगरनी खींच रही है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और पानी के अंदर चला जाता है। जादूगरनी की आवाज सुनकर जीवारो उसे पाने के लिए पागल हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को रोकना भी चाहता था, लेकिन वो उसके आवाज के सामने बेबस था और वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। अब वो जादूगरनी के बस में आ चुका था। चुड़ैल उसे भी पानी के अंदर ले जाती है और उसे पानी में डुबाकर मार डालती है। जीवारो अपने लालच की वजह से यहाँ मारा जाता है। इधर सायरन अपनी हालत देखकर बहुत दुखी थी, क्योंकि जिस इंसान को उसने पहली बार प्यार किया था उसी को सायरन ने मार दिया था। वो जीवारो को मारकर बहुत दुखी थी, लेकिन जीवारो ने उसे उसकी पूरी खूबसूरती छीन लिया था। सायरन के दुख के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।